Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain you the back exercise of the chapter 7, that is the Punjab, a glimpse from your book My English Companion, Class 8, Punjab School Education Board. तो चलिए करते हैं इसके back exercise के solutions. तो सबसे पहले हम करेंगे activity 2 के अंदर antonyms. Antonyms होते हैं विपरीत शब्द. तो सबसे पहले हमारे पास है exist. मैंने इसका आंसर दिया है एंट्रेंस, लीड, फॉलो, रेज, लोअर, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ब्रॉड, नैरो, नॉर्थ, साउथ, फेमस, नोटोरियस, सक्सीड, फेल, फ्रीडम, स्लेवरी, असेंबल, डिस्पर्स. तो ये 10 जो थे आपके बैक एक्सरसाइज में एंटोनिम्स हैं, विपरीत शब्द थे. ठीक है जी. नेक्स्ट हमारे पास है एक्टिविटी 3, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स. राइट. तो इसमें मैंने जो रेड कलर की है वो इसके सॉल्यूशंस हैं. हमारे पास है विद अ डैश फेस शी सेड माय पर्स इज डैश. हमारे पास दो ऑप्शंस हैं ब्रैकेट में दिए हुए, एम्प्टी एंड ब्लैंक. तो विद अ ब्लैंक फेस शी सेड माई पर्स इज एम्प्टी. राइट. सेकेंड है डैश चिल्ड्रन हैव डैश हैंड्स. हमारे पास दो ऑप्शन हैं, स्मॉल एंड लिटल. तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिटल चिल्ड्रन हैव स्मॉल हैंड्स. राइट. नेक्स्ट है द डैश यंग मैन हैज अ डैश वाइफ. हमारे पास दो जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से एक है हैंडसम, दूसरा है ब्यूटीफुल. तो जो मैन होते हैं उसके लिए हम हैंडसम वर्ड यूज़ करते हैं उनकी खूबसूरती को बताने के लिए, और जो औरतें होती हैं उनके लिए हम ब्यूटीफुल वर्ड यूज़ करते हैं. द हैंडसम यंग मैन हैज़ अ ब्यूटीफुल वाइफ. राइट. नेक्स्ट है द वीक ओल्ड मैन स्पोक इन अ फीवल वॉइस. ठीक है. वीक का होता है कमज़ोर, फीवल मतलब जो धीमी आवाज़. द प्रिंसिपल ऑफ आर स्कूल इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स. तो यहाँ पे PRINCIPAL, ये प्रिंसिपल का मतलब होता है मुख्य अध्यापक, और जो प्रिंसिपल है PRINCIPAL ही, इसका मतलब होता है सिद्धांत, कि जो हमारे प्रिंसिपल हैं वो बहुत सिद्धांतों वाले इंसान हैं. द प्रिंसिपल ऑफ आर स्कूल इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स. नेक्स्ट इज यू शुड लिव इन डैश बिकॉज डैश इज स्ट्रेंथ. यू शुड लिव इन यूनिटी. हमें एकता के साथ रहना चाहिए बिकॉज यूनियन इज स्ट्रेंथ, क्योंकि एकता में बल होता है. ठीक है. नेक्स्ट है ही इज डैश मैन विद अ राउंड फेस एंड अ डैश फॉरहेड. ही इज अ टॉल मैन विद अ राउंड फेस एंड अ हाई फॉरहेड. नेक्स्ट इज एक्टिविटी 4, दैट इज आंसर ईच क्वेश्चन ब्रीफली. अब जो हमने लेसन की एक्सप्लेनेशन कर दी थी प्रीवियस वीडियो में, होप फुली आई कैन से कि आपने वो सुन लिया होगा और आपने समझ भी लिया होगा. तो अभी उसके क्वेश्चन आंसर्स हैं. व्हाट इज स्पेशली अबाउट भांगड़ा. जो भांगड़ा है उसके बारे में स्पेशल क्या है. द भांगड़ा डांस इज फुल ऑफ एनर्जी. जो भांगड़ा डांस है दैट इज फुल ऑफ एनर्जी, की ऊर्जा से भरपूर होता है. इट शोज द ग्रेट जस्ट फॉर लाइफ ऑफ द पंजाबीज. और ये जो पंजाबी लोग होते हैं उनके जिंदगी के प्रति जो उत्साह होता है उसको दर्शाता है. नेक्स्ट इज व्हाई डू यू थिंक दैट द पंजाबीज आर सेल्फ रिस्पेक्टिंग पीपल. आप क्यों समझते हो कि पंजाबीज जो हैं वो आत्म सम्मान वाले लोग होते हैं. वी हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द लेसन. तो हमने लेसन में क्या पढ़ा, वी कैन से दैट बिकॉज पंजाबी इज पंजाबीज वुड नेवर बैक, कि जो पंजाबीज हैं वो कभी भी भीख नहीं मांगते हैं, और शो देयर बैक इन बैटलफील्ड, या फिर वो युद्ध के मैदान में कभी भी पीठ नहीं दिखाते हैं, यानी कि वहाँ से आपको धोखा नहीं देती हैं, भागते नहीं हैं. नेक्स्ट व्हाट वाज पंजाब्स रोल इन स्ट्रगल फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस. भारत की आज़ादी में पंजाब का जो था, आज़ादी के संघर्ष में पंजाब का क्या योगदान था. लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सुखदेव, ऊधम सिंह, करतार सिंह सराभा एंड मैनी अदर पंजाबीज सेक्रीफाइड देयर लाइव्स फॉर द सेक ऑफ देयर मदरलैंड.
अब भारत की आज़ादी के लिए जो लाला लाजपत राय थे, भगत सिंह थे, सुखदेव, ऊधम सिंह, करतार सिंह सराभा और बहुत सारे अन्य पंजाबी जो थे, उन्होंने अपनी जानों की कुर्बानियां दी थी। नेक्स्ट, व्हाट डिड जनरल ओडायर डू एट द जलियांवाला बाग इन अमृतसर? जो जनरल ओडायर थे उन्होंने जलियांवाले बाग में क्या किया था? ऑन अप्रैल 13, 1999, अबाउट 20,000 पीपल हैड गैदर्ड हियर फॉर अ पब्लिक मीटिंग। 13 अप्रैल 1919 को लगभग 20,000 लोग जो थे वो एक सार्वजनिक सभा के लिए वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। कहाँ पे? जलियांवाला बाग में। जनरल डायर ऑर्डर्ड हिज राइफल मैन टू फायर एट द क्राउड। और जो जनरल डायर था उन्होंने जो बंदूकधारी लोग थे उनको ये हुक्म दिया था कि इन निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई जाएं। विच स्टेट्स हैव बेनिफिटेड फ्रॉम द भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट? कौन से स्टेट्स थे जिनको भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट से फायदा हुआ था? भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट क्या था कि यहाँ पे जो बिजली पैदा की जाती थी और ये बिजली जो थी उस प्रोजेक्ट से किस किस को बेनिफिट हुआ था, कौन कौन से स्टेट्स को बेनिफिट हुआ था? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात है बेनिफिटेड फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। कि इस भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट से किन किन स्टेट्स को बिजली जो थी मिली थी? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये सारे स्टेट्स को बिजली मिली थी। व्हाट इज़ द रिलीजियस इम्पोर्टेंस ऑफ अनंतपुर साहिब? अनंतपुर साहिब का रिलीजियस इम्पोर्टेंट धार्मिक महत्व क्या है? इन अनंतपुर साहिब द खालसा वॉज फाउंडेड बाय गुरु गोबिंद सिंह जी। जो गुरु गोबिंद सिंह जी थे उनके द्वारा खालसा की स्थापना की गई थी। लक्स ऑफ सिक्स गैदर हेयर एवरी ईयर टू सेलिब्रेट द फाउंडिंग ऑफ द खालसा। और हर साल यहाँ पे लाखों सिख जो हैं वो इकट्ठा होते हैं। क्यों इकट्ठा होते हैं? क्योंकि वो इस दिन खालसा पंथ की स्थापना जो हुई थी उसकी खुशी मनाने के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा होते हैं। नेक्स्ट इज, वेयर इज चंडीगढ़ सिचुएटेड? व्हाट इज इट नॉन फॉर? तो अकॉर्डिंग टू द लेसन वी हैव टू रिप्लाई दिस क्वेश्चन। चंडीगढ़ इज सिचुएटेड एट द फुट ऑफ शिवालिक हिल्स। ये शिवालिक हिल्स के पैरों में जो है इट इज़ नॉन फॉर इट्स रोज गार्डन्स। और ये किस चीज़ के लिए मशहूर है? इसके रोज गार्डन्स के लिए। व्हाट आर जालंधर एंड लुधियाना फेमस फॉर? जालंधर और लुधियाना किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं? जालंधर इज़ फेमस फॉर इट्स स्पोर्ट्स गुड्स। जालंधर में तो जो खेलों का सामान है वो मिलता है। वाइल लुधियाना इज़ फेमस फॉर इट्स वूल एंड हॉस्ट्री इंडस्ट्री। जबकि लुधियाना में जो ऊन है उसकी होजरी की इंडस्ट्री जो है वो है। हु कंपाइल द होली श्री गुरु ग्रंथ साहिब? पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? श्री गुरु अर्जुन देव जी, द फिफ्थ गुरु ऑफ द सिक्स कंपाइल श्री गुरु ग्रंथ साहिब। जो सिखों के पांचवें गुरु थे उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी का संकलन किया था, जिनका नाम गुरु अर्जुन देव जी था। नेक्स्ट, व्हाट डू यू नो अबाउट द होलीएस्ट श्राइन ऑफ द सिक्स? जो सिख हैं उनका सबसे पवित्र जो धार्मिक स्थान है वो क्या है? गोल्डन टेम्पल इज ऑफ अमृतसर इज द होलीएस्ट श्राइन ऑफ सिक्स। सिखों का सबसे धार्मिक स्थान जो है वो गोल्डन टेम्पल है। इट इज़ बिल्ट इन द मिडल ऑफ अ टैंक। ये एक तालाब के बीच में बना हुआ है। इट हैज़ अ गोल्डन डॉम ऑन द टॉप। और इसके टॉप पे क्या है? एक सुनहरी रंग का गुंबद है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो कि एक्टिविटी नंबर 4 में थे। ठीक है जी, अब एक्टिविटी नंबर 5 आ गया। राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द गिवन स्पेस। जनरल ओडायर लिव्ड इन जलियांवाला बाग। जनरल ओडायर जो थे वो जलियांवाला बाग में रहते थे, ये गलत है, इसलिए इसको हम फॉल्स लिखेंगे। ली कॉर्बूसियर वाज अ ग्रेट इंडियन आर्किटेक्ट। ली कॉर्बूसियर जो थे वो ग्रेट इंडियन आर्किटेक्ट थे।
ये भी फॉल्स है. भगत सिंह वॉज हैंग्ड ऑन 13 अप्रैल 1919, ये भी गलत है. सो वी विल राइट हियर फॉल्स. द गोल्डन टेम्पल हैज़ अ टैंक ऑल अराउंड इट. गोल्डन टेम्पल के चारों तरफ तालाब है. ट्रू. इंडिया बिकेम एन इंडिपेंडेंट कंट्री 1947, दैट इज़ ट्रू. 1947 में भारत को आज़ादी प्राप्त हुई थी. द पंजाबीज हैव फेस्ड मैनी फॉरेन इन्वेशंस. जो पंजाबी थे उन्होंने बहुत विदेशी हमलों का सामना किया था. ये भी सही है, तो हम ट्रू लिखेंगे. गुरु गोबिंद सिंह फाउंडेड द खालसा इन 1669, ये फॉल्स है. तो इसको हम फॉल्स ही लिखेंगे. लाला लाजपत राय इज़ नॉन एज शहीद ए आज़म ऑफ इंडिया. लाला लाजपत राय जी को शहीद ए आज़म कहा जाता है. गलत है जी, इसलिए इसको हम फॉल्स लिखेंगे. द भाखड़ा डैम इज़ 518 फीट हाई एंड 740 फीट वाइड, दैट इज़ ऑल्सो फॉल्स. 50% ऑफ इंडियाज़ हॉइस्ट्री इंडस्ट्री इज़ इन लुधियाना. 50% ही है इंडिया की जो हॉइस्ट्री की इंडस्ट्री है लुधियाना में, ये गलत है. नेक्स्ट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इन 1953, दैट इज ट्रू. चंडीगढ़ इज सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ सुतलेज रिवर, दैट इज फॉल्स. एंड नाउ वी विल डू द एक्टिविटी नंबर 6. हमें जो राइट चॉइस है उसको ही टिक करना है. तो यहाँ पे है द जलियांवाला बाग मैस्कारे टुक प्लेस इन 1919, 1928, 1947 और 1926. जलियांवाला बाग में जो खूनी साका हुआ था वो कब हुआ था? 1919 में. द रेकग्निशन ऑफ पंजाब टुक प्लेस इन, भारत पंजाब जो था वो कब इसको रिकॉग्नाइज किया गया था? 1947 में, 50 में, 66 में या फिर 53 में? राइट आंसर इज 1966. कुल्लू एंड मनाली आर पार्ट्स ऑफ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर या फिर पंजाब? दैट इज बी, हिमाचल प्रदेश. नेक्स्ट इज श्री गुरु अर्जुन देव वॉज डैश ऑफ द सिक्स. श्री गुरु अर्जुन देव जो थे वो सिखों के क्या थे? द फिफ्थ गुरु, द सिक्स्थ गुरु, द फोर्थ गुरु और द टेंथ गुरु? राइट आंसर इज ए, दैट इज द फिफ्थ गुरु. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बैक एक्सरसाइज एंड द सॉल्यूशंस ऑफ चैप्टर नंबर 7, द पंजाब क्लेम्स, क्लास 8. आई होप यू माइट हैव वॉच द वीडियो टिल एंड. सी यू नेक्स्ट टाइम इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस टाइम.